तो बहुत सारे लोगों को ये प्रोजेक्ट तो पसंद आ रहा है, बट उनके दिमाग में सवाल है, ये क्वेश्चन है, आप बड़ा ही बर्निंग क्वेश्चन है, बड़ा ही ज्वलंत क्वेश्चन है, सवाल है कि यार सारी चीजें पसंद है, अगर रेट थोड़ा सा कम होता ना तो मैं बस ले लेता इमीडिएटली। ओके, आई एम श्योर आप भी ये सोच रहे हो, और सोच रहे तो मैं आपको बता देता हूं कि रेट अगर आपको ऐसा लग रहा है ज्यादा है तो क्यों है, और एक्चुअल में वो है भी या नहीं है। ओके, और वेदर यू विल गेट ए वैल्यू फॉर मनी इन टू दिस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट और नॉट। ओके, तो देखिए जब भी हम प्रॉपर्टी को बोलते हैं कि वो प्रॉपर्टी महंगी है या वो प्रॉपर्टी सस्ती है, तो वो एक कंपेरेटिव टर्म्स होती है कि हम अपने माइंड में किसी ना किसी प्रॉपर्टी से उसको कंपेयर कर रहे हैं कि वो यार एक्स वाई जेड किसी पर्टिकुलर प्रॉपर्टी से महंगी है, एक्स वाई जेड पर्टिकुलर प्रॉपर्टी से सस्ती है। करेक्ट। तो अगर आप इस प्रॉपर्टी को कंपेयर करो, फॉर एग्जांपल जो इस लेवल की प्रॉपर्टी है शोभा सेक्टर 106 के अंदर, हालांकि वो ब्रांडेड रेजिडेंसीज भी नहीं है, शोभा का अच्छा नाम है, बट वो भी उस लोकेशन के अंदर जो एक छोटा लैंड पैच है, 5-5.5 एकड़ का लैंड पैच है, वहां पे रेट क्या है, लगभग 24,000 रुपए पर स्क्वेयर फीट। सेकेंड, अगर आप शोभा 80 की बात करें, शोभा 80 में अरण्य है, तो उसका भी लगभग 25-26 हजार रुपए पर स्क्वेयर फीट का रेट आ जाता है जहां से वो स्टार्ट होती है। ओके, वो भी सेक्टर 80 में जाके, द्वारका एक्सप्रेसवे के पास नहीं, वो दिल्ली के पास नहीं है, सेक्टर 80 में। तीसरा, अगर आप बात करो आसपास की प्रॉपर्टी से, लाइक कृषुमी, वहां पे भी लगभग 21-22 हजार रुपए पर स्क्वायर फीट के आसपास का रेट ऑलरेडी हो चुका है। फोर्थ, अगर आप बात करो यहाँ पे जो भी अगेन ब्रांडेड रेजिडेंसीज नहीं है, जिसके साथ भी मैरिट इंटरनेशनल का जो एक 94-97 ईयर ओल्ड ब्रांड है उसका नाम नहीं जुड़ा हुआ, अगर मैं बात करूं यहाँ इवन मेंशन से, तो वहां पे भी 19-21 हजार पर स्क्वायर फीट का रेट है। और इवन जब भी आप प्रॉपर्टी खरीदते हो तब आपको वो चीज महंगी लगती है, जब आप प्रॉपर्टी बेचते हो तो आपको लगता है सस्ती बेच रहा हूं मैं, मेरे को तो और ज्यादा महंगी बेचनी चाहिए। तो उसका एक और एग्जांपल मैं लेता हूं, लाइक एलान प्रेसिडेंशियल, जब लोगों ने खरीदा लगभग 1.5 साल पहले, उस टाइम पे लोगों को 12,900 रुपए प्लस पीएलसी का जो रेट था वो ज्यादा लग रहा था, यार ओरो का रेट तो 9,000, 10,000, 11,000 है, ये 13,000 रुपए में महंगा है, और बड़ा लोगों को बड़ा मुश्किल से कन्विंस करा था कि ये एक्चुअल में महंगा नहीं है, सस्ता, आने वाले टाइम के अंदर वो आज चीज महंगी हो जाएगी। और आज की डेट में जिन लोगों ने 12,900 रुपए प्लस पीएलसी पे खरीदा था, वो आज की डेट में बड़ा खुश हैं कि 17,500 रुपए पर स्क्वायर फीट के आसपास का रेट हो गया है, 1-1.5 साल के अंदर लगभग जितना लगाया था उतना ही प्रॉफिट कमा के बाहर हो गया है, उतना ही प्रीमियम आ चुका है आज की डेट में। ओके, और अगर मैं बहुत सारे ऐसे एग्जांपल ले सकता हूं, जब इवन गोल्फ कोर्स रोड पे प्रॉपर्टी बिका करती थी, तो जो चीज 20 लाख में लोगों को महंगी लगती थी वो आज की डेट में 1.5 करोड़ की हो चुकी है, 7 गुना। जो सबसे सबसे सस्ता प्रॉपर्टी आज के डेट में गोल्फ कोर्स रोड पे, लाइक प्रिंसटन, वो भी 7 गुना अप्रिशिएट हुई ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम। डीएलएफ की सबसे वन ऑफ द मोस्ट प्रीमियम प्रॉपर्टी की मैं बात करूं, डीएलएफ मैग्नोलियास, जब वो लॉन्च हुआ था तो डू यू नो कि किस रेट पे लॉन्च हुआ था, 4,500 रुपए पर स्क्वायर फीट, और उस टाइम पे भी बहुत सारे लोगों को लगता था यार बड़ी महंगी है, और आज की रेट में क्या रेट है, लगभग 47-48 हजार रुपए पर स्क्वायर फीट एटलीस्ट। तो जब आप प्रॉपर्टी खरीदते हो तो उस टाइम पे हमेशा आपको लगता है कि यार मैं महंगी खरीद रहा हूं, जब आप बेचते हो तो आपको लगता है कि मैं सस्ती बेचता हूं, मेरे तो और प्रॉफिट होना चाहिए। सेकंड पॉइंट क्या कि यहां पे जो यू आर पेइंग सम मनी एंड यू आर गेटिंग इन एक्सचेंज दैट value, you want value for money, trade to happen। तो देखिए branded residences की मैं बात करूँ या एक world class property की मैं बात करूँ या फिर एक signature address की मैं बात करूँ या फिर एक trophy property की बात करूँ, तो पूरे गुड़गांव के अंदर आप देखोगे तो ऐसी बहुत limited property हैं। अगर मैं इसको compare करूँ like Trump Tower जब launch हुआ था तो वो भी आज के डेट में लगभग double price हो चुका है, और उस time पे लोगों को Trump Tower महंगा लगता था, but क्योंकि वो एक trophy property थी, because of that people have got the appreciation, और उसके साथ वाली property 22-23-25 हजार पर स्क्वायर फीट में और वही 31,000 रुपए पर स्क्वायर फीट में ट्रेड कर रही है। ओके, तो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम वो चीज आपको रियलाइज होती है। प्लस यहाँ पे जो आपके साथ ब्रांड नेम एसोसिएट हो रहा है, मैरिट इंटरनेशनल का जो 97 ईयर ओल्ड ब्रांड है, जिसकी लीगेसी है, जिसके मल्टीपल ब्रांड्स हैं, वेस्टर्न रेजिडेंसीज अगेन 94 ईयर ओल्ड ब्रांड है, और इसके साथ साथ इस ब्रांड के साथ आपको इनकी जो एक प्रीमियम मेंबरशिप है वो भी मिलती है, जो पूरे वर्ल्ड के अंदर आप इसको यूटिलाइज कर सकते हो, उसकी आपको एक लाइफ टाइम की मेंबरशिप मिलती है, जो अपने आप में इतनी वैल्यूएबल है कि आपको 40-50 लाख रुपए के बेनिफिट ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम, अगर आप उसको लाइफ टाइम उसको यूज करते तो वही इतने ज्यादा बेनिफिट्स आपको दे सकती है। ओके, और अगर आपने मैरिट इंटरनेशनल के किसी भी ब्रांड के अंदर विजिट करा हुआ होगा तो
आई एम श्योर आपको आइडिया होगा कि किस टाइप की हॉस्पिटैलिटी वहां पर रहती है, वेदर इट इज यू नो रिट्स कार्लटन और यू नो वेस्टिन होटल या फिर मैरिट वैकेशन क्लूज या फिर मैरिट इंटरनेशनल, शेरेटन हो गया, वेस्टिन हो गया, ब्ली मैरिडियन हो गया। ऑलराइट, तो किसी भी टाइप के यू नो प्रॉपर्टी में अगर आपने मैरिट इंटरनेशनल की विजिट कराओ तो यू विल फाइंड दैट हॉस्पिटैलिटी। और यहाँ पे जो हॉस्पिटैलिटी पार्टनर है वो है वेस्टिन रेजिडेंसी। सो यू कैन जस्ट इमेजिन कि किस लेवल की यू नो हॉस्पिटैलिटी यहाँ पे आपको मिलने वाली है। यू नो पोस्ट पोजेशन, यहाँ पे कंस्ट्रक्शन वाइडलैंड जरूर कर रहा है बट जो पोस्ट पोजेशन जो इसका मैनेजमेंट है प्रॉपर्टी वो वेस्टिन रेजिडेंसी कर रहा है। प्लस इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे प्रॉपर्टी के अंदर जो आप बताए ना वैल्यू फॉर मनी, तो 15 एकड़ का ग्रीन एरिया आपको यहाँ पे मिलने वाला है अप्रोक्सीमेटली। इसके अलावा द्वारका एक्सप्रेसवे का सबसे बड़ा, जी हाँ सबसे बड़ा एज ऑन डेट, फ्यूचर में क्या होगा आई डोंट नो, बट एज ऑन डेट 2 लाख स्क्वायर फीट का क्लब आपको यहाँ पे मिल रहा है। इससे पहले जो सबसे बड़ा क्लब था वो कृष्णी का था, वाटर साइड रेजिडेंसीज का, जो लगभग 1,60,000 स्क्वायर फीट के आसपास का क्लब था। उससे पहले बिलियनियर क्लब था आपका एलान प्रेसिडेंशियल का, उसके बाद जो सबसे बड़ा क्लब है एट प्रेजेंट वो द्वारका एक्सप्रेसवे पे, वो यहाँ पे आ रहा है कृष्णी का। ओके, इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो यू नो जिन लोगों ने, जिन भी बिल्डर्स ने हो सकता है 10-15 साल पहले लैंड परचेज कराओ तो वो तो हो सकता है शायद आपको थोड़ा बहुत यू नो थोड़े से कम रेट 2,000-3,000 रुपए पर स्क्वायर फीट या 1,000 रुपए पर स्क्वायर फीट में चीजें दे पाए, क्योंकि वो स्टिल यू नो दे माइट बी यू नो प्रॉफिटेबल। बट यहाँ पे जो लैंड एक्विजिशन कॉस्ट लगभग 600 करोड़ रुपए के आसपास थी, तो जो लैंड एक्विजिशन कॉस्ट है वो भी हाई हुई है ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम, और जो कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन है वो भी यू नो हाई हुई है ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम। बिकॉज ऑफ दैट यू नो जो प्राइस है वो काफी हद तक यू नो जस्टिफाइड है। अगर मैं आपसे बात करूं यहाँ पे लगभग 5,500 करोड़ की इन्वेस्टमेंट यहाँ पे व्हाइट लैंड कॉर्पोरेशन यू नो करने वाला है इस प्रोजेक्ट के अंदर, जहाँ पे लगभग 674 रेजिडेंसीज वो 3 और 4 BHK की कॉन्फ़िगरेशन लेके आ रहा है इस फेज के अंदर, और कुछ अपार्टमेंट सेकंड फेज के अंदर भी आएंगे। और जो 3 BHK की कॉन्फ़िगरेशन है यहाँ पे लगभग 2500 से 2800 स्क्वायर फीट है, और जो 4 BHK की कॉन्फ़िगरेशन है वो लगभग लगभग आपकी यू नो 3500 से 4100 स्क्वायर फीट के बीच में अप्रोक्सीमेटली आ जाती है। प्लस इसके अलावा जो फेज वन है उसके अंदर भी 6 टावर्स आ रहे हैं, टावर 1, 2, 3, 4, 4A और 5, जहाँ पे यू नो टोटल 650 अप्रोक्सीमेटली यूनिट्स आ रहे हैं आउट ऑफ 1500 जो टोटल आनी है यूनिट्स। ओके, और इसके अलावा जैसा मैंने आपको बताया जो 3 बेडरूम की जो यूनिट है वहां पे एक फ्लोर पे 4 अपार्टमेंट्स होंगे, 4 to 8 core होगी, और 4 अपार्टमेंट्स के लिए 6 लिफ्ट्स होंगी, और जिसकी वजह से यू नो आपका वेटिंग टाइम वो कम हो जाता है, और हाई स्पीड एलिवेटर्स रहने वाली है, प्लस 5 पैसेंजर रहेंगे और उसमें से 1 सर्विस लिफ्ट रहेगी। ऑलराइट, इसके अंदर अगर आप अपना यू नो इनिशियल इंटरेस्ट देना चाहते हो तो 40 लाख रुपीज का ये दे सकते हो। और इसके अलावा जो इससे बड़ा साइज है जो 4 BHK वहां पे 3800 से 4100 स्क्वायर फीट के हैं, वहां पे एक फ्लोर पे सिर्फ 2 यूनिट है, 2 to 8 core है, और वहां पे 4 लिफ्ट है, एक फ्लोर पे 3 पैसेंजर और 1 सर्विस लिफ्ट। इसके अलावा जो इसके कॉन्ट्रैक्टर है वो भी यू नो ए ग्रेड रहने वाले हैं, तो जो प्रीवियस हिस्ट्री रही है और उसके अप्रोक्सीमेटली जो भी टेंटेटिव इन्फॉर्मेशन है, हफीज कॉन्ट्रैक्टर रहने वाला है, शाहपुरजी पालोजी कंस्ट्रक्शन पार्टनर रहने वाला है। ओके, तो क्वालिटी ऑफ कंस्ट्रक्शन के अंदर आप डाउट नहीं कर सकते। और इसके अलावा बॉबी मुखर्जी जो वो इंटीरियर डिजाइन करने वाला है इसका। और इसके अलावा अगर मैं बात करूं जो क्लब हाउस की अगर एमिनिटीज की बात करूं कुछ, तो यहाँ पे लगभग जिम रहने वाला है लगभग 10,000 स्क्वायर फीट के आसपास का, बॉलिंग एले हो गया, स्विमिंग पूल हो गया फॉर एडल्ट्स एंड किड्स, इसके अलावा मल्टीपल वाटर बॉडीज हो गई, लगूंस हो गए, मल्टी किचन रेस्टोरेंट हो गया। ओके, और इसके अलावा अगर मैं बात करूं इसकी लोकेशन की, जो एक यू नो वन ऑफ द यूएसपी है इस लोकेशन का, वो क्या है कि डीपीएस के बिल्कुल एडजेसेंट इस लोकेशन है, प्लस शीतला माता जो हॉस्पिटल है वो भी यू नो बिल्कुल पास में है इसका, जो सेक्टर 102A के अंदर आ रहा है। हाई एंड स्पेसिफिकेशंस रहने वाली है इसकी, और पेमेंट प्लान भी यू नो काफी अट्रैक्टिव है, मॉड्यूलर किचन, वीआरवी एयर कंडीशनिंग, वो आपको सारी चीजें मिलेंगी। प्लस यहाँ पे इनॉग्रल डिस्काउंट्स हैं कुछ, वो क्या है एग्जैक्टली वो आप अगर जानना चाहते हो तो नीचे दिए नंबर पे आप व्हाट्सएप कर सकते हो, कॉल कर सकते हो कि क्या बेटर रेट इंसेंटिव्स मिल सकते हैं अगर आप फर्स्ट रेट पे या फर्स्ट इनिशियल लेवल पे आप यू नो एंटर कर सकते हो। और जो टेंटेटिव यू नो टिकट साइज है 3 BHK का लगभग 6 से 7 करोड़ के बीच में रहने वाला है अप्रोक्सीमेटली, और जो 4 BHK का वो 9 से 11 करोड़ के बीच में यू नो वेरी करेगा डिपेंडिंग ऑन द लोकेशन। ओके, और आई होप यू गॉट द कंप्लीट क्लैरिटी अबाउट जो आपके माइंड में बर्निंग क्वेश्चन था कि रेट ज्यादा है या कम है, वो क्यों है। अगर फिर भी अगर आपके माइंड में कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरीज है, कोई डाउट है, तो यू कैन स्टिल ऑलवेज रीच आउट
अस एट ऑन दिस नंबर 8858484084 या फिर आप व्हाट्सएप कर सकते हैं #WL103 और आप उसको भेज सकते हैं 8858484084 पे। सो आई होप यू गॉट द क्लैरिटी अबाउट द क्वेश्चंस दैट यू हैव इन योर माइंड, बट फिर भी कोई क्वेश्चन है यू कैन रीच आउट अस एट दिस नंबर्स। और इसके अलावा अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, ज्यादा अच्छा लगा हो तो इसको प्लीज शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ, रिलेटिव के साथ, कलीग्स के साथ, जो लोग भी यहाँ पे वेस्टर्न रेजिडेंसीज का पार्ट बनना चाहते हैं, उन लोगों की एक हेल्प हो सके प्लस मुझे एक मोटिवेशन मिले आपके लिए इस टाइप के और वीडियोस क्रिएट करने के लिए। और जाते जाते आपसे रिक्वेस्ट है, गुजारिश है कि अगर आप चैनल पे बिल्कुल पहली बार आए हो, फर्स्ट टाइम आए हो, तो चैनल को आप इमीडिएटली अभी के अभी सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन हिट कर दीजिए, तभी आपको इस टाइप के वीडियोस के फ्यूचर में नोटिफिकेशंस मिलते रहेंगे। विद दिस लास्ट मैसेज, थैंक यू सो मच वंस अगेन फॉर वॉचिंग टिल हेयर। मिलता हूं मैं आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।